गुड मॉर्निंग टू ऑल। विराट डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं कमलेश जैन आपको नेवी एयरफोर्स के लिए मैथ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के इस डेमो क्लास में अपनी हम जो है मैथ का एक टॉपिक है क्रमचय संचय, वो डिस्कस करते हैं, जिसे इन शॉर्ट जो है पी एंड सी भी कहते हैं, यानी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। काफ़ी बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो इसे जो है फॉर्मूलों से पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा आप फॉर्मूलों में उलझने की कोशिश करेंगे उतनी ही प्रॉब्लम्स आने वाली है। आपको इस टॉपिक का जो बेसिक है कि कैसे क्वेश्चंस करना है, क्या यहाँ होता है, वो आपको सबसे पहले सीखना ज़रूरी है। तो आज की इस क्लास में मैं ज़्यादा फॉर्मूले डिस्कस ना करके पहले आपको इसके जो बेसिक्स है वो डिस्कस करके बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या हमें करना रहता है, क्या इन दोनों चीज़ों का अर्थ है। यदि आप इसे अच्छे तरीके से समझते हैं और सुनते हैं तो आज की ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो देखो, दो शब्द है, एक है क्रमचय और एक है संचय। दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। क्रमचय का मतलब जो है अपना अरेंजमेंट से है, और संचय का मतलब जो है वो अपना कलेक्शन से है। इन दोनों शब्दों का आप अर्थ समझते होंगे। अरेंजमेंट का मतलब है व्यवस्थाएं, जहां आपको व्यवस्थाएं करनी हो वो चीज़ क्रमचय में कंसीडर की जाएगी, और जहां आपको चयन, कलेक्शन का मतलब है चयन करना हो, वो चीज़ जो है संचय में कंसीडर की जाएगी, है ना। कई बार हमें जो है मैथ में काफ़ी चीज़ें जो है वो अरेंज करनी पड़ती है, और उनके अरेंजमेंट से अलग अलग चीज़ें हमारे सामने बनकर आती है। अब अरेंजमेंट मैथ में किन चीज़ों का करना पड़ सकता है, जैसे मान लीजिए कि हमें अंक दिए जाए और उन अंकों से मुझे जो है संख्याएं बनानी है, तो आपको पता है कि आप उन अंकों से संख्याएं बनाओगे तो आप उन अंकों को अरेंज करोगे, और उनके अलग अलग व्यवस्थाएं जो है वो आपको एक अलग अलग तरह की संख्या लाकर देने वाले हैं ना। तो अंकों को व्यवस्थित करना, उससे क्या बनाना, संख्याएं बनाना, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्रमचय का एग्जाम्पल है। या आपको जो है अक्षर दिए जाए और उन अक्षरों से आप जो है शब्द बनाने जा रहे हो, तो आपको पता है कि आपको दिए गए अक्षरों से जब आप शब्द बना रहे हो तो आप क्या करने वाले हो, उन अक्षरों को व्यवस्थित करने वाले हो। यानी जहाँ पर व्यवस्था शामिल हो वो चीज़ किस में कंसीडर की जाएगी, क्रमचय में कंसीडर की जाएगी। और जहाँ केवल चयन शामिल हो, अब चयन कहाँ शामिल हो सकता है, जैसे आपको कुछ खिलाड़ी दिए जाए और उन खिलाड़ियों से आपको टीम बनानी हो, तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी या सारे खिलाड़ी सेलेक्ट करके जो भी आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा उस अनुसार आपको टीम बनानी रहेगी। मींस आपको वहाँ पर चयन करना है, खिलाड़ियों को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो क्रमचय और संचय में डिफरेंटली हमें जो है कंसिडर करने पड़ते हैं। तो आप समझ रहे होंगे क्रमचय का मतलब क्या है, आपको जहाँ पर व्यवस्थाएँ करनी हो दी गई सारी वस्तुओं की, या कुछ वस्तुओं की भी व्यवस्थाएं करनी पड़ सकती है, ठीक है, तो वो चीज़ किस में मानी जाएगी, क्रमचय में मानी जाएगी। और जहां पर आपको जो है चयन करना हो, व्यवस्था आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, तो वो चीज़ किस में कंसीडर की जाएगी, संचय में कंसीडर की जाएगी। अब इन दोनों को ही पढ़ने के लिए एक मूलभूत इनका जो है फॉर्मूला कह दो, या चाहे इनका एक मूलभूत जो है पॉइंट है वो आपको पता होना ज़रूरी है, या सिद्धांत कह दो उसे, तो वो क्या है हम देखते हैं। देखो, उसे हम कहते हैं गुणन सिद्धांत। क्या कहते हैं हम उसे, गुणन सिद्धांत कहते हैं, जो इन दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे वो क्रमचय हो चाहे वो संचय हो। ये गुणन सिद्धांत क्या है, इसे आप ध्यान से सुनना, यदि आप इसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये सिद्धांत क्या है, देखो मान लीजिए कोई कार्य है W, उस कार्य को मैं कह रहा हूँ W, ये कार्य आपको करने के लिए दिया जा रहा है। मैथ में कोई काम है वो आपको करने के लिए दिया जा रहा है। अब वो काम हो सकता है अंकों से संख्या बनाने वाला हो, अक्षरों से शब्द बनाने वाला हो, या कोई डिक्शनरी के अनुसार जो है आपको उसमें रैंक देखने वाला क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ का वो क्वेश्चन हो सकता है, उसे हमने हमारा वर्क मान लिया। और उस कार्य को करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, उस कार्य को अलग अलग भागों में बांटना पड़ रहा है। मान लीजिए W1 उसका पहला भाग है,
W2 उसका दूसरा भाग है, W3 उसका तीसरा भाग है। इस तरीके से आपने उस कार्य को अलग अलग भागों में बांट दिया है, मीन्स आप इन छोटे छोटे टुकड़ों को पहले करने वाले हैं और जैसे ही आप इन सबको पूरा कर चुके होंगे तो वो जो आपका काम था वो पूरा हुआ हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, जब मैंने इस काम को टुकड़ों में बांट लिया है तो मुझे ये पता करना है कि इन सभी टुकड़ों को पूर्ण करने के क्या तरीके हैं, पूर्ण करने के तरीके क्या है। जैसे सपोज करो कि इस भाग को पूर्ण करने के मेरे पास P1 तरीके हैं, इस भाग को सेकेंड वाले को पूरा करने के मेरे पास P2 तरीके हैं, थर्ड भाग को पूरा करने के मेरे पास P3 तरीके हैं, इस तरीके से लास्ट वाले भाग को पूरे करने के मेरे पास PN तरीके हैं। तो फिर जो अपना मेन काम था, यानी कि जो कार्य W था, कार्य W को पूर्ण करने के जो तरीके निकल कर आएंगे वो कौन से होंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो तरीके थे इनको हमें गुणा करना पड़ेगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू --PN। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला समझ लो, या इसे आप सिद्धांत समझ लो, ठीक है। क्या कहता है इसको समझो आप फिर से, कि आपको कोई काम दिया जा रहा है W, जिसे आपको करना है। अब आप क्या करोगे उस काम को करने के लिए, सबसे पहले ये देखने वाले हो कि उस काम को कितने भागों में बांटने वाले हैं हम, कि इन भागों को पूरा करने के बाद वो हमारा काम होगा। तो वो भाग ये अपने W1, W2, W3 इस तरीके से मैंने बांट दिए। अब जैसे आपने उस काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, फिर उन हर एक भाग को या हर एक सेगमेंट को पूरे करने के तरीके आपको तलाशने हैं। ये मैंने उनको पूरे करने के तरीके तलाशे हैं, और फाइनली मैं इन सभी तरीकों को गुणा कर लूँगा, तब जाकर मुझे उस कार्य के पूर्ण होने के तरीके मिल जाएंगे। ये है गुणन सिद्धांत, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब इसको हम कैसे यूज़ करने वाले हैं वो हम क्वेश्चन से देखते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर जाना चाह रहे हैं और आप किसी एक स्टेशन पर खड़े हैं। मान लो उस स्टेशन को मैं कहता हूँ कि उसका नाम है ए, और आपको वहाँ से जाना है सी स्टेशन पे, और बीच में एक स्टेशन आता है जिसे मैंने कह दिया बी स्टेशन, ठीक है। आप ए स्टेशन पे खड़े, आपको सी पे पहुँचना है, और बीच में एक स्टेशन आ रहा है बी। अब ए से बी तक पहुँचने के लिए आपके पास तीन अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, तीन अलग अलग तरह की बसें हैं, मान लो वो चलती हैं, उनमें से किसी भी बस से आप ए से बी आ सकते हैं, और फिर बी से सी तक आने के लिए दो बसें उपलब्ध है ये मान लीजिए। अब कोई आपसे ये कहता है, अब भूल जाओ क्रमचय है एक संचय है, कोई आपसे ये कहता है कि स्टेशन ए से सी तक पहुंचने के विभिन्न तरीके कौन से हैं, कोई आपसे ये कहता है कि स्टेशन ए से सी तक पहुंचने के विभिन्न तरीके कौन से हैं। तो देखो आपका कार्य क्या है, है ना, हम गुणन सिद्धांत से इस चीज़ को समझते हैं। हमारा कार्य क्या है, हमें ए से सी तक पहुंचना है, ये हमारा कार्य है। अब इस कार्य को आप करने के लिए उसको कितने भागों में बांटने वाले हो वो देखो। ए से सी तक मुझे पहुँचना है तो इस कार्य को मुझे दो भागों में बांटना पड़ेगा। कौन से दो भाग, पहले मुझे ए से बी तक पहुंचना पड़ेगा, फिर मुझे बी से सी तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये उस कार्य के दो भाग है, मतलब W1 और W2 है। अब मुझे ये देखना है कि इन भागों को पूरे करने के कितने तरीके हैं मेरे पास, है ना। इस एक भाग को जब मुझे पूरा करना है तो उसके मेरे पास कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं, और फिर इस आगे वाले भाग को पूरे करने के मेरे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। इनको मैं गुणा कर दूंगा तो मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जो क्या है, 6, है ना। काफ़ी छोटा क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आप इस गुणन सिद्धांत को समझ सको। देखो, आपका कार्य था ए से सी तक पहुंचना, उसको आप करने के लिए क्या करने वाले हैं, दो टुकड़ों में उसे पूरा करने वाले हैं। पहला टुकड़ा है आप ए से बी तक जाएंगे, फिर आप बी से सी तक जाएंगे, ये हो गए दो टुकड़े। अब आपको ये देखना है कि उन टुकड़ों को पूरे करने के कितने तरीके हैं। इसके आपके पास तीन ऑप्शन थे, आगे वाले के दो ऑप्शन है, तो टोटल कितने तरीके हो गए, 6 हो गए। समझ गए आप लोग। जैसे वो 6 तरीके कौन से हैं वो भी आप सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस बस से आता और फिर
इस बस से आता तो ये एक तरीका हो गया, या नेक्स्ट वाली बस चूज़ कर लूँ तो दूसरा तरीका हो गया। इस बस के साथ दो तरीके मिले, ऐसे बीच वाली बस के साथ दो तरीके मिलते, और ऐसे नीचे वाली लास्ट वाली बस के साथ दो तरीके मिलते, तो टोटल कितने तरीके हो गए? ये 6 तरीके हो गए। तो ये है गुणन सिद्धांत, इस तरीके से ये काम करता है, समझ रहे? एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो जैसे हमें ये कहा जाए कि हमें किसी पार्टी में जाना है और हमें उसके लिए तैयार होना है, और हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि हमारे पास 4 तरह की अलग अलग शर्ट है, 3 तरह के अलग अलग पैंट है, और 2 तरह की टाई है, और 2 तरह के बेल्ट है, ये हमें कहा जाता है। और इनमें से हमें एक एक को सेलेक्ट करके पहनना है, क्योंकि हम एक एक को पहनेंगे तब हम जाकर तैयार होंगे। अब आपसे ये कहा जाता है कि आप पार्टी में जा रहे हो, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, और आपसे वो क्वेश्चन ये करता है कि तैयार होने के विभिन्न तरीके कौन से हैं, तैयार होने के विभिन्न तरीके मेरे पास कौन से हैं, है ना? तो देखो आप क्या करने वाले हो, बेसिकली तैयार होने के लिए आपका काम कौन सा है, पहले तो आपको पता चल गया आपका काम है आपको तैयार होना है, है ना? और उसके तरीके ढूंढने हैं आपको। अब तैयार होने वाले काम को आप क्या करने वाले हो, 4 भागों में बांटने वाले हो। कौन से 4 भागों में बांटने वाले हो? आप एक शर्ट पहनोगे, एक पैंट पहनोगे, एक टाई पहनोगे और एक बेल्ट पहनोगे, यही तो करने वाले हो ना आप। तो आपका जो कार्य है तैयार होने वाला, उसके हैं 4 भाग, W1, W2, W3 और W4। W1 क्या है? शर्ट पहनना। W2 क्या है? पैंट पहनना। W3 क्या है? बेल्ट पहनना। और W4 क्या है? टाई पहनना, है ना? ये 4 भाग है। अब आपको बस ये देखना है कि उनके ऑप्शंस क्या है, उन चारों भागों के ऑप्शंस क्या है, और उन्हें गुणा करना है, है ना? तो देखो पहले भाग के आपके पास ऑप्शंस क्या है, 4, 4 शर्ट है इसलिए 4 ऑप्शंस है। दूसरे भाग के कितने ऑप्शंस है, 3। फिर टाई पहनने के कितने ऑप्शंस है, 2। और फिर बेल्ट पहनने के कितने ऑप्शंस है, 2। इनको आप लोग जो है गुणा कर लेंगे, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 2 जो है कितना आ जाएगा, 48। तो ये 48 कुल तरीके हो गए मेरे पास, अलग अलग तरीके हो गए ये उस पार्टी में तैयार होकर जाने के। तो इस तरीके से गुणन सिद्धांत काम कर रहा है। देखो यहाँ पर हमने गुणा किए हैं, किन्हें गुणा किया है हमने, जो कार्य के अलग अलग भाग थे ना उनके तरीके मैंने गुणा किए हैं, जो मेरा कार्य है उसके जो अलग अलग भाग हैं उनके तरीके मैंने क्या किए हैं, गुणा किए हैं, समझ रहे हैं आप लोग? चलो और क्वेश्चंस देखते हैं पहले हम, क्योंकि अभी मैं फॉर्मूले पे आ ही नहीं रहा, पहले हम बेसिक पर आधारित जो क्वेश्चंस है ना, इस गुणन सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चंस वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है और बच्चे हर बार उसको भूल जाते हैं कि सर करना कैसे, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमें कहा जाए कि एक हाथ की 4 अंगुलियों में 6 अंगूठियां कितने प्रकार से पहन सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में आया हुआ है और लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, और ज्यादातर वो कंफ्यूज जो है दो ही ऑप्शंस में होते हैं, एक ऑप्शन 4 की पावर 6 और दूसरा ऑप्शन 6 की पावर 4। ऑप्शंस और भी आते हैं बट कन्फ्यूजन इन दो ऑप्शंस में रहता है कि सर इनमें से कौन सा आंसर है, और आप लोग रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ रटने की कोशिश मत करो आप लोग, ठीक है? क्या है देखो, आपके पास एक हाथ की 4 अंगुलियाँ है और उनमें आपको जो है 6 अंगूठियाँ पहननी है, कितने प्रकार से हम पहन सकते हैं, ना? कार्य क्या है वो पहचानो पहले, कार्य है अंगूठियाँ पहनना, है कि नहीं? मैंने कहा ना आपसे कि पहले ये पहचानो कार्य क्या है, कार्य है अंगूठी पहनना। आप अंगूठी पहनने वाले हैं, वो कार्य है। अब वो कार्य कितने भागों में होने वाला है वो भी है ना, तो आप पहले क्या करने वाले हो, आप पहले अंगूठी उठाओगे उसे पहनोगे, फिर दूसरी अंगूठी उठाओगे उसे पहनोगे, तीसरी अंगूठी उठाओगे उसे पहनोगे। आप इस तरीके से लाइन बाय लाइन अंगूठियां उठा उठा कर पहनने वाले हैं, है ना? तो मैंने आपसे कहा ना पहले कार्य पहचानो और फिर कार्य के भाग पहचानो, फिर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जो है अंगूठियाँ बना लेता हूँ। ये इस तरीके से मैंने जो है 6 अंगूठियाँ बना ली, ठीक है? ये मैंने 6 अंगूठियाँ बना ली। अब देखो ये मेरा कार्य था, उसके ये 6 भाग है। 6 भाग कौन से, कि पहले इस अंगूठी को पहनूंगा,
तो मैंने कार्य का एक हिस्सा पूरा किया, फिर मैं नेक्स्ट वाली अंगूठी पहनूंगा तो मैंने कार्य का दूसरा हिस्सा पूरा कर लिया। तो इस तरीके से स्टेप्स में ये सारे हिस्से कार्य के पूरे होने वाले, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब करना क्या है आपको, कार्य की पहचान कर ली, कार्य के टुकड़े वो देख लिया आपने कौन से हैं। अब आपको ये देखना है कि उन टुकड़ों को पूरे करने के कितने तरीके हैं। यदि वो तरीके आपको मिल गए तो आपको बस उन्हें गुणा करना है, समझ गए? ये हमें गुणन सिद्धांत कहता है। तो देखो इसके लिए आपके पास कितने तरीके हैं, इस अंगूठी को पहनने के लिए आपके पास कितने तरीके, कह दूं या कितने ऑप्शन से कहूं, तो कितने ऑप्शन से, चार ऑप्शन है ना, क्योंकि चार अंगुलियां हैं तो चार ऑप्शन से, सीधी सी बात है। आगे बढ़ें, इसको हमने पूरा कर लिया, उससे आगे बढ़ते हैं। अब इस अंगूठी को पहनने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर तीन ऑप्शन है। तीन नहीं है, क्यों? जिस अंगुली में पहली अंगूठी गई है क्या उस अंगुली में ये अंगूठी नहीं जा सकती? क्या जा सकती है ना, इसके पास भी वही चार ऑप्शन है, चार उंगलियों वाले वही चार ऑप्शन इस अंगूठी के पास भी है। इस तरीके से हर अंगूठी के पास चार चार ऑप्शन है, तो चार कितनी बार गुणा होगा, छह बार गुणा होगा, चार की पावर छह हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि कार्य क्या है, उसके जो भाग है वो क्या होंगे और उनके तरीके क्या होंगे, और फिर उन तरीकों को हमें गुणा करना है। ये हमें गुणन सिद्धांत जो है समझाता है। अब कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि सर अंगूठियों की बजाय उंगली बनाकर भी तो कर सकते हैं ना, चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने ये बना ली पहली उंगली, ये बना ली दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, चार अंगुलियां मैंने बना ली। अब देखो पहली अंगुली में अंगूठी पहनना है तो इसके पास कितने ऑप्शंस है, बताओ कितने ऑप्शंस है? नहीं बता सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर इसके पास छह ऑप्शंस है, क्या पता छह की छह अंगूठियां जो है इस उंगली में आने वाली हैं क्या? किसको पता है कि इस अंगुली में कितनी अंगूठियां आने वाली है? एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, छह की छह भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है ना? तो हम ये कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि हर अंगुली के पास कितने ऑप्शन है, ये कभी नहीं बता पाऊंगा मैं ये जरूर बता पाऊंगा कि हर अंगूठी के पास कितने ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, चार चार, इसीलिए वो मल्टीप्लाई हो गए और आंसर क्या आ गया, चार की पावर छह आ गया। समझ गए? चलो क्वेश्चंस और देखें इस तरह के। तो अभी केवल मैं गुणन सिद्धांत की बात कर रहा हूं, अभी मैं किसी फॉर्मूले की या किसी और चीज की बात ही नहीं कर रहा, पहले हम गुणन सिद्धांत को ही समझ रहे हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आया हुआ है कि चार पत्रों को तीन पेटियों में कितने प्रकार से डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि चार लेटर्स को, चार पत्रों को तीन पेटियों में हम कितने प्रकार से डाल सकते हैं, है ना? फिर से देखो, अब आपका कार्य क्या है, यहाँ पर आपको लेटर्स को पेटियों में डालना है ना? तो आप क्या करने वाले हैं वो बताओ, आप पेटियाँ उठाकर लाने वाले हैं या लेटर्स को उठाकर एक एक डालोगे? आप क्या करोगे, एक एक लेटर को उठाओगे और उन्हें पेटियों में डालने वाले हो, यही करने वाले हो ना आप। अब इस कार्य के फिर कितने भाग हुए, चार भाग हुए ना, क्योंकि चार लेटर्स है ना? तो देखो मैं पहले बनाता हूँ लेटर, ये फर्स्ट लेटर, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। तो ये मैंने बना लिए चार लेटर, और अब देखो मैंने ये पता कर लिया कि कार्य क्या है, पत्रों को पेटियों में डालना। अब उस कार्य के चार भाग हैं क्योंकि चार पत्र है, अब उन सबको पूरे करने के तरीके पता करने हैं। इस लेटर को बॉक्स में डालने के लिए कितने ऑप्शन है, तीन। तीन क्यों है, क्योंकि तीन बॉक्स है मेरे पास, है ना? ऐसे ही आगे वाले लेटर के लिए भी कितने हैं, तीन ऑप्शन है। ऐसे ही हर लेटर के लिए कितने ऑप्शन है, तीन। इनको मुझे गुणा करना है, तीन की पावर चार जो है, यानी 81 तरीके जो है यहाँ पर टोटल प्राप्त होने वाले हैं, समझ गए? अब इसमें कुछ चेंज करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इसी में यदि वो ऐसे कह दे कि यदि सारे पत्र एक ही पेटी में ना जाए, यदि वो ऐसे कह दे तो क्या करेंगे, देखो समझो अब इस चीज को।
पहले सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किया हमने कि चार लेटर्स को तीन पेटियों में डालने के लिए आपके पास कितने अलग अलग तरीके हैं, वो हैं 81 तरीके, ठीक है। अब वो आपसे ये कह सकता है कि यदि सारे लेटर एक ही पेटी में न जाए तो फिर कितने तरीके होंगे। देखो ये 81 कौन से तरीके हैं, ये 81 वो सारे तरीके हैं जिन तरीकों से लेटर्स को लिफाफों में पेटियों में डाला जा सकता है, है ना। अब इनमें से आप वो तरीके तलाशो कितने हैं जिनमें सारे लेटर्स एक ही पेटी में चले गए, है ना। हो सकता है कि सारे लेटर्स जो है पहली पेटी में चले जाए, हो सकता है सारे लेटर्स दूसरी पेटी में भी चले जाए, हो सकता है सारे लेटर्स तीसरी पेटी में भी चले जाए, है ना। तो सारे लेटर्स के एक ही पेटी में जाने के कितने तरीके हो गए, तीन तरीके हो गए ना। तो 81 में से तीन को जो है आप माइनस कर दो, पीछे कितना बचेगा, 78। तो 78 इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। कौन से क्वेश्चन का, कि सारे लेटर जो है एक ही पेटी में ना जाए, समझ गए। तो इस तरीके से भी अलग अलग जो है क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ये सब हम जो है गुणन सिद्धांत से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं अंकों से संख्याएं बनाते वक्त भी गुणन सिद्धांत काफ़ी काम आता है। अभी आज की क्लास में हम ओनली इसका बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीट डिस्कशन एक क्लास में पॉसिबल ही नहीं है। आपको अंकों से संख्या बनानी हो, जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि आपको अंक दिए जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपसे कहा जाए कि आप जो है चार अंकीय सम संख्या बनाओ, क्या करो आप, चार अंकीय सम संख्या बनाओ, कितनी बनेगी ये बनाकर बताओ, है ना। इन अंकों से चार अंकों वाली सम संख्या बनाकर बतानी है कितनी बन सकती है। तो देखो हम क्या करेंगे, अब मुझे चार अंकों की सम संख्या बनानी है। अब चार अंकों वाली सम संख्या बनाना ये मेरा काम है। अब इस काम को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मैं ऐसे चार बॉक्स बना लेता हूँ, ये लीजिए चार बॉक्स बना लिए। अब यदि सब में एक एक अंक रख दूँ, सब में एक एक अंक को रख दूँ तो चार अंकों वाली अपने आप संख्या बन जाएगी ना। तो मुझे पता चल गया कि उस काम को करने के लिए मुझे इन चार स्थानों को भरना है, और जैसे ही मैं इन चार स्थानों को भरने के तरीके पता कर पाता हूँ वैसे ही मुझे क्वेश्चन का आंसर जो है मिल जाएगा। मुझे उन तरीकों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये भी ध्यान रखना, आपको क्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। अब इसमें आपको पता है कि कोई भी संख्या सम कब होती है, जब उसका लास्ट वाला अंक है वो या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो, सभी को आपको पता है। तो अब देखो सम संख्या बनने का मतलब है यहाँ पर जो है 2, 4 या 6 में से ही कुछ आ सकता है, उसके अलावा कुछ आया तो वो संख्या तो चार अंकों वाली होगी लेकिन सम नहीं ही होगी। तो सम बनने का मतलब ये हुआ कि इस स्थान को भरने के मेरे पास तीन ही ऑप्शन है, तीन ही तरीकों से इन स्थानों को भरा जा सकता है, तभी संख्या वो क्या बनेगी, सम बनेगी, है ना। चलो इस स्थान को भर लिया, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्थान पे। अब यहाँ मेरे पास कितने ऑप्शन है, कार्य के एक भाग को पूरा कर लिया, अब दूसरे भाग पे आते हैं, इस भाग के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है। देखो आप कहोगे सर तीन ऑप्शन यहाँ है तो कम कर दो तीन, ऐसा नहीं है, है ना। यहाँ तीन ऑप्शन है, उनमें से एक टाइम पे एक ही चीज़ काम आने वाली, या तो यहाँ दो काम आएगा या फिर चार काम आएगा या फिर छह काम आएगा, तो इनमें से कोई एक अंक कम हो जाएगा और फिर पीछे यानी आगे वाले बॉक्स के लिए मेरे पास कितने अलग अलग ऑप्शन बचेंगे, वो है 5, समझ गए। क्योंकि 6 कुल ऑप्शन थे, उनमें से एक कम हो जाएगा यहाँ रखने की वजह से, और पीछे कितने ऑप्शन बचेंगे, 5। फिर ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो एक ऑप्शन और कम हो गया, 4 बच गए, और आगे बढ़ोगे एक ऑप्शन और कम हो गया, 3 बच गए। इनको मैं गुणा कर लूँगा तो मुझे जो है क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा, जितना भी आएगा आप गुणा कर लीजिएगा, आपको 4 अंकीय सम संख्या मिल जाएगी। अब ये आपको पता है किस तरीके से हमने देखा है, हमने गुणन सिद्धांत से देखा है, हमने कार्य के चारों भागों को पूरा करने के तरीके देखे हैं। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि वो ये कह दे कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, पुनरावृत्ति मतलब कि कोई भी अंक कितनी भी बार काम में ले सकते हो, ये संभव है। यदि वो ऐसा हमें कह दे, हमें ऐसा कह दे कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, पुनरावृत्ति कर सकते हो, तो फिर दूसरा आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा वो देखते हैं। देखो
यदि पुनरावृत्ति संभव है तो क्या होगा? देखो यहाँ तो तीन ही ऑप्शन होंगे ना, क्योंकि आपको तो सम संख्या बनानी है ना। आप दो चार या छः में से कुछ रखोगे तभी संख्या सम बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो यहाँ तो मेरे पास तीन ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर आप पुनरावृत्ति कर सकते हो, तो आपको ये तो देखना ही नहीं है कि कौन सा अंक कितनी बार आया है ना। आप तो रिपीट कर सकते हो अंक को, जो यहाँ आया है वो यहाँ भी आ सकता है। तो इस बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास सारे छः के छः ऑप्शन उपलब्ध है, क्योंकि मैं पुनरावृत्ति कर सकता हूँ। तो यहाँ पर छः सारे ऑप्शन उपलब्ध है, यहाँ भी छः सारे ऑप्शन उपलब्ध है, यहाँ भी छः सारे ऑप्शन उपलब्ध है। इनको मैं गुणा कर लूँगा तो मुझे ऐसे ही चार अंकीय सम संख्याएँ प्राप्त होगी जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। और यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो फिर ये 5, 4, 3 इस तरीके से ये घटते जाएंगे। तो ये गुणन सिद्धांत है, और ये क्वेश्चन फॉर्मूले से भी होता है, बट फॉर्मूले जो है काफ़ी परेशान करते हैं। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप ज़्यादा फॉर्मूलों पे फोकस मत कीजिए, आप पहले कंसेप्ट को समझिए कि कंसेप्ट क्या है। यदि आप कंसेप्ट को समझ पाते हैं तो कुछ फॉर्मूलों से ही आपका काम जो है चल जाएगा। यदि इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूलों से करने के लिए बैठूं तो काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है ना। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको गुणन सिद्धांत को समझाने की कोशिश की कि ये सिद्धांत हमें क्या कहता है। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ने वाली है, लेकिन उससे पहले इसका जो ये बेसिक है वो हमें समझना है कि गुणन सिद्धांत किस तरीके से काम करता है। ये इस तरीके से काम करता है कि पहले ये देखा जाए कि कार्य के क्या भाग है और उन्हें पूरे करने के, सब भागों को पूरा करने के कितने तरीके हैं। जैसे यहाँ कार्य के चार भाग थे, हर एक भाग को पूरा करने के तरीके पता किए, गुणा कर लिया, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर भी वैसे गुणा कर लिया, क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये गुणन सिद्धांत काम करता है, चाहे वो क्वेश्चन क्रमचय का हो या संचय का हो, है ना। चलो अब हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं और फिर उन फॉर्मूलों पर बेस्ड जो है हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो सबसे पहला फॉर्मूला है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को व्यवस्थित करने के जो तरीके होंगे वो आएंगे NPR। क्या ये n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके हैं NPR। NPR का मतलब आप जानते होंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। सेकंड है, सभी n वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके यदि आपको देखने हैं, तो जब आप n में से r वस्तुओं को व्यवस्थित कर रहे थे तो इसलिए यहाँ r आ रहा था। अब आप n में से सारी n वस्तुओं को व्यवस्थित करना चाह रहे हैं तो r की जगह भी क्या आ जाएगा, n, क्या बन जाएगा NPN, और NPN का मान क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है। पहले इन दो फॉर्मूलों को देखो आप, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और है, उसे भी आप ध्यान देना, वो है विभिन्न। यहाँ भी वो चीज़ इंक्लूड है, विभिन्न, ठीक है। विभिन्न का मतलब क्या हुआ, अलग अलग। तो n अलग अलग वस्तुएं हैं, उनमें से r वस्तुओं को व्यवस्थित करना है आपको, तो उसके कितने तरीके होंगे, NPR यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। और सभी n वस्तुओं को व्यवस्थित करना हो तो कितने तरीके हैं, फैक्टोरियल n कह दो या NPN कह दो। अब ये कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो है इन फॉर्मूले पर बेस्ड कैसे आ सकता है, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इन फॉर्मूले को वापस देख लीजिए कि NPR यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फॉर्मूला कब काम करता है, जब आपको n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को व्यवस्थित करना हो। और यदि सारी वस्तुओं को व्यवस्थित करना है तो फैक्टोरियल n फॉर्मूला काम आएगा, लेकिन वस्तुएँ कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, सबसे मेन बात ये है। अब देखो कैसे हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि एक शब्द है डॉटर,
और यहाँ से आपको कहा जाए कि इसके इसके आप जो अक्षर लो, शब्द डॉटर के अक्षरों से आपसे कहा जाए दो क्वेश्चन देके कि चार अक्षरों के शब्द बनाओ, चार अक्षरों के शब्द, या कहा जाए सभी अक्षरों को लेकर शब्द बनाओ, कितने बनेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, है ना। देखो शब्द डॉटर जो है इसमें कितने अक्षर हैं, आठ अक्षर हैं, सारे अलग अलग हैं, है ना। तो आप जो है वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि आठ आपके पास वस्तुएं हैं और उनमें से चार वस्तुओं को व्यवस्थित करना है ना भाई। चार अक्षरों का शब्द इन आठ अक्षरों में से लेकर बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आठ वस्तुएं हैं, उनमें से चार वस्तुएं उठानी है और उनको व्यवस्थित करना है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे और फॉर्मूला क्या क्या कहता है, आंसर क्या आएगा, 8P4, समझ गए। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, 8×7×6×5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब वो कह रहा है सभी अक्षरों को लेकर शब्द बनाओ, सभी का मतलब क्या, ये जो आठ वस्तुएं हैं उन सबको लेकर आपको जो व्यवस्थित करना है, है ना। तो n वस्तुओं को व्यवस्थित करने के मेरे पास कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल n, तो उससे आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 8, यानी कि 8×7×6×5×4×3×2×1, इनको गुणा कर लेंगे, क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले पर बेस्ड जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके क्वेश्चन को हार्ड या आसान किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करके कैसे वो पूछ सकता है, वो आपसे ऐसे कह सकता है, जैसे मान लीजिए कि शब्द दिल्ली दे दे कि ये शब्द है और इसके अक्षरों से ऐसे शब्द बनाओ, ऐसे शब्द बनाओ जिनमें L मध्य में हो, है ना। अब थोड़ा चेंज कर दिया, अब आप कहोगे सर कैसे करें, देखो समझो इस चीज़ को, आपसे कहा जा रहा है कि शब्द दिल्ली के अक्षरों यानी इन पांच अक्षरों से बनाओ शब्द, और ऐसे शब्द बनाओ कि जिनमें L मध्य में हो, यानी L को फिक्स कर दिया जा रहा है, L हिलेगा नहीं, L की जगह फिक्स कर दी है, L कहाँ रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। तो आपको पता है कि पांच स्थान है, आप स्थान बनाकर भी कर सकते हैं, L बीच में रखना है, आपको फिक्स कर दिया गया है। तो अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको शब्द बनाने के लिए आपको बचे हुए चार अक्षरों को व्यवस्थित करना है। चार कौन से अक्षर, डी ई एच और आई, आपको उन चार अक्षर कह दो या चार वस्तुएं कह दो, उनको व्यवस्थित करना है। तो उन चार वस्तुओं को आप व्यवस्थित कितने तरीके से करने वाले हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा ना कि n वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल n। तो अब चार वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 4 कह दो, यानी 24 क्वेश्चन का आंसर है, है ना। और इसे आप यहाँ गुणन सिद्धांत से भी कर सकते थे। गुणन सिद्धांत यदि मैं लगाऊं तो देखो इस बॉक्स को तो एक ही तरीके से भरा जा रहा है, कार्य के इस भाग को तो एक ही तरीके से पूरा किया जा रहा है, वो तरीका भाग कौन सा है, L वाला, है ना। अब मैं कार्य के अगले भाग को पूरा करता हूँ, अगला भाग कौन सा है, कोई सा भी चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस भाग को पूरा करूँ तो उसके मेरे पास चार ऑप्शन है, चार कौन से हैं, या तो D आएगा या E आएगा या H या I आएगा, है ना। फिर अगले भाग पे बढ़ूँ तो उसके कितने ऑप्शन बचेंगे, अब तीन। तीन क्यों बचेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन कम हो गया, कम कौन सा हो गया, जो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया वो तो कम हो गया। तो अब इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, तीन बचेंगे, ऐसे आगे वाले के लिए दो, ऐसे लास्ट वाले के लिए एक। ये लीजिए, इन सबको जैसे ही आप गुणा करोगे आपको क्या मिलने वाला है, 24 मिलने वाला है ना। तो इस तरीके से चेंज करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और कैसे पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए हमें ये कहा जाए कि एक शब्द है आर्टिकल, इस शब्द से आपको कहा जाए कि इसके अक्षरों से शब्द बनाओ, शब्द आर्टिकल के अक्षरों से शब्द बनाने के लिए कहा जाता है। अब उसमें दो क्वेश्चन पूछ लिए मैंने, पहले पूछ लिया कुल शब्द कितने बनेंगे, ठीक है, और दूसरा कह दिया कि स्वर जो है उसमें सम स्थान पर आने चाहिए, स्वर सम स्थान पर हो, ऐसे कितने बनेंगे। अब इन दोनों को हम समझते हैं, ठीक है। देखो आर्टिकल एक शब्द है, A R T I C L E,
इसमें अक्षर कितने, पहले ये देखो इसमें अक्षर 6-7 हैं, है ना। अब उसमें से आपसे कहा जा रहा है कुल कितने शब्द बनेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको इन 7 अक्षरों को व्यवस्थित करना है, कुल शब्द कितने बनेंगे उस चीज़ को देखने के लिए। यानी आपको 7 वस्तुओं को व्यवस्थित करना है, तो 7 वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कुल कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 7, आप फैक्टोरियल 7 का मान निकाल लेंगे, 5040 आपको जो है अलग अलग तरह के शब्द प्राप्त होने वाले हैं जब आप इन 7 अक्षरों को व्यवस्थित करोगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वर हमेशा सम स्थान पर रहने चाहिए, तब कितने बनेंगे, है ना। तो देखो स्वर यहाँ पर क्या क्या है, पहले तो आपको पता है ए है, आई है और ई है, और बच गए पीछे क्या, व्यंजन। व्यंजन कौन से बच गए, आर, टी, सी और एल, ये व्यंजन बच गए। अब देखो 7 अक्षरों का शब्द बनाना है, ये लीजिए मैंने 7 स्थान बना लिए उसके लिए। अब इनमें से ये देखो आप कि स्वर सम स्थान पर आने चाहिए, सम स्थान कौन कौन से हैं, ये सम है 2nd, 4th और 6th, ये सम स्थान है, है ना भाई। आप 7 अक्षरों का शब्द बनाना चाह रहे हो और आप ये चाहते हो कि स्वर सम स्थान पर आए, तो इनके लिए जगह कौन सी है, ये 3 जगह है, है ना। तो देखो आपको क्या करना है, अब कार्य क्या करना है वो पहचानो पहले। कार्य क्या है आपका, 7 अक्षरों का शब्द, उसमें करना क्या है आपको, स्वर को सम स्थान पर करना है, है ना। तो कार्य का पहले कौन सा भाग पूरा होगा, स्वर को रखने वाला, क्योंकि स्वर वहाँ सम स्थान पर ही आने चाहिए। तो इन 3 को आप क्या करने वाले हो, इन 3 जगहों पर रखने वाले हो, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3। हमने पढ़ा ना कि n वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल n, इन 3 वस्तुओं को या 3 जगहों पर व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल 3। फिर आप कार्य के अगले भाग पे आओ, वो है व्यंजनों को सेट करना। व्यंजन 4 हैं, उनको बचे हुए 4 जगहों पर सेट कितने तरीके से करोगे, फैक्टोरियल 4, आप इनको गुणा कर लेंगे, आपको जो है क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 144, समझ गए। तो ये हो गया इस तरीके से NPR फॉर्मूला और फैक्टोरियल n वाला फॉर्मूला, है ना। और इसे आप देखो गुणन सिद्धांत से भी कर सकते हो, जिसको वो अच्छा लगता है वो उस सिद्धांत से कर लेना। कैसे होगा देखो, आप ये देखो कि कार्य के 7 भाग है अब, है ना, और हर एक को पूरा करने के तरीके देखते हैं। सबसे पहले कौन सा भाग पूरा होगा ये डिसाइड करना आना चाहिए आपको, कि पहले कौन सा भाग करना है, है ना, शुरुआत कहाँ से होगी। आपको कहा जा रहा है, कंडीशन है कि स्वर सम स्थान पर ही होने चाहिए, तो आप पहले स्वरों को ही रखने वाले हो, क्योंकि क्या पता किसी और को रखने के बाद स्वरों के लिए सम स्थान बचे या ना बचे, है ना। तो आप पहले स्वरों को रखो, यहाँ पर मैं रखना चालू करता हूँ, इस यहाँ पर स्वर रखने जा रहा हूँ, कितने ऑप्शन है, 3, क्योंकि 3 स्वर है मेरे पास, ये लीजिए 3। आगे बढ़ूंगा, फिर इस यहाँ पर अगला स्वर रखूँगा, अब कितने ऑप्शन है, 2, क्यों, क्योंकि 1 स्वर कम हो गया, तो यहाँ 2, फिर यहाँ कितना, 1, ये लीजिए मैंने स्वर रख दिए पहले, काम के 3 भाग वो पूरे कर लिए मैंने। अब बचे हुए 4 भागों को पूरा करते हैं। अब यहाँ पर कितने ऑप्शन है बताओ आप, फर्स्ट बॉक्स पे 4 हैं, इन 4ों में से कोई भी आ सकता है ना, 4 यहाँ ऑप्शन है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये लीजिए, जैसे इन सबको आप गुणा करोगे आपको आंसर कितना मिलेगा, 144 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, हम गुणन सिद्धांत से, यानी इस तरह का ये जो बॉक्स मेथड है, ऐसे बॉक्स बनाकर कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉक्स मेथड, और हम जो है फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि वस्तुओं की पुनरावृत्ति संभव होती है, तो वहाँ पर फिर हमें क्या करना है, है ना। यदि हमें कहा जाए कि पुनरावृत्ति संभव है, तो हम क्या करेंगे, पुनरावृत्ति संभव हो और n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं आपको सेट करनी है, तो फिर फॉर्मूला आएगा n की पावर r, और यदि आपको सभी n वस्तुएं सेट करनी है, सभी n वस्तुएं, तो फॉर्मूला आ जाएगा फिर n की पावर n। कब, जब पुनरावृत्ति संभव हो। पुनरावृत्ति का मीनिंग आप समझते हो, मतलब कोई भी वस्तु कितनी भी बार आ सकती है, तो जब पुनरावृत्ति संभव हो तब फॉर्मूला जो NPR था वो क्या बन जाएगा, n की पावर r बन जाएगा।
और जो फॉर्मूला फैक्टोरियल एन था वो क्या बन जाएगा, एन की पावर एन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आ सकता है देखो, जैसे हमें कहा जाए कि अंक है 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। अब यहाँ कहा जाए चार अंकीय कितनी संख्याएं बन सकती है, चार अंकीय कितनी संख्याएं बन सकती है। अब देखो यहाँ से आपको चार अंकीय संख्या बनानी है, कितनी बन सकती हैं और पुनरावर्ती संभव अंकों की तब कितनी बनेंगी। तो आपको करना क्या है, छः में से आपको चार अंकों को व्यवस्थित करना है। जब पुनरावर्ती संभव नहीं होती तब तो फॉर्मूला आता 6P4, और अभी पुनरावर्ती संभव है इसलिए फॉर्मूला क्या आएगा, 6 की पावर 4। समझ गए है ना। और ये कहा जाता कि छः अंकीय संख्या बनाओ, छः अंकीय संख्याएं बनाओ कितनी बन सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सारे अंकों को लेकर जो है संख्या बनाना चाह रहे हैं, तो सभी वस्तुओं को आप व्यवस्थित करना चाह रहे हैं सारी वस्तुओं को, तो फॉर्मूला क्या है, वैसे तो फैक्टोरियल एन है। जब कब, जब पुनरावृत्ति नहीं करनी है, जब पुनरावृत्ति करनी है तब फॉर्मूला क्या है, एन की पावर एन यानी 6 की पावर 6। तो इस तरीके से फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, कई बार ऐसा रहता है कि हमारे सामने हमें एन वस्तुएं दी जाती है लेकिन वो भिन्न भिन्न नहीं होती है, एन वस्तु हमें दी जा रही है वो अलग अलग नहीं है। उनमें से मान लीजिए आप पी वस्तुएं, उनमें से पी वस्तुएं एक समान है ऐसा मान लीजिए, और क्यू वस्तुएं हैं वो एक जैसी हैं, दूसरे प्रकार की है लेकिन वो, और आर वस्तुएं हैं वो एक जैसी हैं। समझ गए, आपको टोटल एन वस्तुएं दी जा रही है, इनमें से पी एक जैसी दिखती हैं, क्यू एक जैसी दिखती हैं और आर एक जैसी दिखती हैं। और फिर आपसे कहा जाए कि एन वस्तुओं से बनने वाली व्यवस्थाएं बताओ कितनी है, तो फॉर्मूला कहता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो देखो क्या है, जब आपको एन वस्तुओं से बनने वाली व्यवस्थाएं देखनी है और सारी वस्तुएं वो अलग अलग हो तब तो दो उसके आंसर पॉसिबल है। यदि पुनरावृत्ति नहीं करते हो तो फैक्टोरियल एन है, ठीक है, और यदि पुनरावृत्ति करते हो तो एन की पावर एन है। ये कब, जब वस्तुएं क्या हो, विभिन्न हो, हमने देखा अभी। लेकिन अब क्या देख रहे हैं हम, पी वस्तुएं एक जैसी हैं, क्यू एक जैसी हैं और आर वस्तुएं एक जैसी हैं। तो जो जो वस्तुएं एक जैसी है उनको गिन के यानी पी क्यू आर उनके फैक्टोरियल का भाग लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमसे कहा जाए कि शब्द है एक स्कूल, अब कहा जाए कि इसके अक्षरों से शब्द बनाओ कितने बनेंगे, स्कूल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे, यहाँ से कितने शब्द बना सकते हैं। अब देखो इसमें कितने अक्षर है, 6 अक्षर है, मतलब आपको 6 वस्तुओं को व्यवस्थित करना है। अब 6 की 6 वस्तुएं अलग अलग होती तब तो ओनली फैक्टोरियल 6 आता, लेकिन अब हम क्या क्या देख रहे हैं, 2 वस्तुएं एक जैसी है इसलिए फैक्टोरियल 2 का भाग लगेगा। समझ गए, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा शब्द ले लिया मैंने, मैथमेटिक्स ही ले लिया, ये मैथमेटिक्स, अब यहाँ से कहा जाए कितने शब्द बना सकते हो आप इसके अक्षरों को उठा के, तो इसमें टोटल कितने अक्षर है आप गिन लीजिए, 11 अक्षर है, तो ऊपर क्या आएगा, फैक्टोरियल 11 आएगा। अब जो जो सेम है उनके फैक्टोरियल का भाग लगाओ, देखो 2m है दिख रहा है आपको, तो फैक्टोरियल 2 का भाग लगाओ, 2a है फैक्टोरियल 2 का भाग लगाओ, 2t है फैक्टोरियल 2 का भाग लगाओ। तो इस तरीके से जो जो जितने सेम हैं उनके फैक्टोरियल का हमें भाग लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा जाए शब्द है बनाना, इससे कितने शब्द बन सकते हैं ये यदि मुझे कहा जाए, तो क्या करूँगा, इसमें कितने अक्षर, 6, यदि सारे अलग अलग होते तो फैक्टोरियल 6 आता। अब आप ये देखो कि इसमें सेम कितने हैं, 3a है, इस वजह से फैक्टोरियल 3 का भाग रहेगा,
दो एन है इस वजह से फैक्टोरियल दो का भाग लगेगा। समझ रहे हो आप लोग? जैसे आपसे कहा जाए कि शब्द है दिल्ली, इसके अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे, तो इसमें कितने अक्षर है आप देखो, पांच, पांचों अलग अलग है, इसलिए फैक्टोरियल पांच आंसर है। समझ गए आप लोग, है ना? यदि कुछ सेम होता तो उसके फैक्टोरियल का हमें भाग लगाना पड़ता है, यदि सेम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो? यहाँ पर दो अक्षर सेम थे इसलिए फैक्टोरियल दो का भाग लगाना पड़ा, यहाँ दो एम थे, दो ए है, दो टी है, इसलिए तीन बार फैक्टोरियल दो का भाग लगाना पड़ा, इसमें तीन बार ए है, दो बार दो एन है, इसलिए फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल टू का भाग लगाना पड़ा। तो इस तरह से हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखो जैसे हमें कहा जाए कि अंक हमें दे दिए जाए एक दो तीन, दो तीन तीन, इस तरीके से हमें ये अंक दे दिए जाए। कितने अंक आपको दिख रहे हैं? हमारे सामने जो है छह अंक रखे जा रहे हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि इन अंकों से कितनी छह अंकीय संख्याएं बन सकती है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया, हम क्या करेंगे? देखो अंक एक दो तीन, दो तीन तीन, ये अंक हैं। ये कितने अंक आपको दिख रहे हैं? छह अंक। इन छह अंकों से आपको छह अंकों वाली संख्या बनानी, कितनी बन सकती है, है ना? अब यहाँ पर आप जो है बॉक्स बनाकर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। जैसे मैंने छह बॉक्स यदि बना दिए तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि हर एक बॉक्स को बनने के कितने तरीके हैं। मैं कभी नहीं बता पाऊंगा इस बॉक्स से कितने हैं, इससे कितने हैं, इससे कितने तरीके हैं, क्योंकि मुझे अंक ही ऐसे दिए गए हैं। मुझे जो अंक दिए गए हैं उनमें दो बार तो दो है, दिख रहा है आपको, और तीन तीन बार क्या है? तीन है, है ना? तो मैं ये नहीं बता सकता कि यहाँ कितने अलग अलग ऑप्शन हैं, आगे वाले भी कितने अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, इसलिए मैं ऐसे बॉक्स बनाकर नहीं कर पाऊँगा। तो मैं कैसे करूँगा? देखो आप ऐसे सोचो कि ये वस्तुएँ हैं, इनको व्यवस्थित करना है। कितनी वस्तुएँ हैं? ये छः। इन छः वस्तुओं को आपको व्यवस्थित करना है तो कितने तरीके आते हैं उसके? फैक्टोरियल छः। लेकिन वो कब आते? जब सारी वस्तुएं अलग अलग हो। अभी क्या हो रहा है? अभी दो वस्तुएं एक जैसी है तो फैक्टोरियल दो का भाग लगाओ, तीन वस्तुएं एक जैसी है तो फैक्टोरियल तीन का भाग लगाओ। ये लो क्वेश्चन का आंसर आ गया, समझ गए? इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस और बनते हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। तो आज की इस क्लास में तो इतना ही हो पाएगा। अलग अलग और भी कंडीशंस आती हैं काफ़ी, एकांतर व्यवस्था या टेबल के चारों तरफ व्यवस्था करना, या ऐसी व्यवस्थाएं जिनमें कुछ वस्तुएं साथ में रहें तब क्या करना रहेगा, तो उनको हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमारे जो है इतना ही हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो है पसंद आई है, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए जो है हमारी जो विराट डिफेंस एकेडमी है उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जो है जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।